कंजर्वेटिव फोर्सेस मैंने बता दिया कि एंड टू एंड पे डिपेंड करेगा वर्क डन, और रास्ते में बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो आपकी बुक्स में पूरी कहानी लिखी है, एक लाइन में समझा देता हूँ। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को पाथ नंबर वन से लेके गए, कहाँ पे, ए से बी, और आप उसी ऑब्जेक्ट को एक और पाथ से लेके गए पाथ नंबर टू, पाथ नंबर वन से पाथ नंबर टू से। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर वर्क डन पाथ नंबर वन का और वर्क डन पाथ नंबर टू का सेम है, कंजर्वेटिव है ना, तो एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो पूरी कहानी बोलने के बाद यही तो बोल रहा है वो कि पाथ नंबर वन का पाथ नंबर टू का वर्क डन सेम है, और कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि मैंने अपना एग्जाम्पल किसी और तरीके से समझा दिया, आपको समझ में आ रहा है, सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल मुझे बता रहा है कि मैं इस एक ऑब्जेक्ट को पाथ नंबर वन से ए से बी पे ले गया, फिर मैं सेकेंड पाथ से बी पे ए पे ले आया। अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, कंजर्वेटिव है ये, जहां से गया वहीं से वापस आ गया, आंसर इज जीरो। तो जीरो, तो वही वो बता रहा है थ्योरी में, अगर आप वन वन से लेके जाके आप वन से स्टार्ट होके वापस टू पे, इसमें वापस नहीं लेके आए, इसमें जा ही रहे हो अलग अलग रास्तों से, इसमें गए भी और वापस भी आए, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्लोज्ड पाथ में क्या रहेगा, जीरो। क्या ये बात समझ में आती है आपको? तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो लिख दिया कि वर्क डन क्लोज्ड पाथ में हमेशा कंजर्वेटिव में जीरो ही रहेगा। ठीक है यहां तक? तो ये डेफिनेशन समझ में आ रही है कैसे लिखी हुई है।